एट लास्ट हम लोग का डेस्टिनेशन मिल गया, यहाँ पे रुकाने वाला है। सब दिखने में सेम ही है, वहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम ही है। ये एक शहर लग रहा है, सर में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अभी हम लोग एक मार्केट के बीच से जा रहे हैं, वो शायद उसमें मिलता है सिंगारा ना, सिंगरी कुछ एक बोलता है, वो पानी के नीचे में होता है, काताधार एक फल था, दिखाई नहीं पाया मैं। और ये ममता दीदी हम लोगों को वेलकम बोल रही है। यहाँ पे भी ममता बनर्जी। और ये कौन है पता नहीं, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉलेज नहीं रहने से जो होता है। मुझे इतना प्लेस का नॉलेज नहीं, घूमने का बहुत शौक है, लेकिन कौन सा जगह के अंदर में कौन सा जगह है क्या है नहीं है वो सब का आइडिया मुझे। ये बेकन बन लो, दिखने में तो सुंदर है। ये कौन है, ये रविंद्रनाथ टैगोर सिटिंग विद बेकन, आई डोंट नो। रविंद्रनाथ टैगोर सिटिंग विद मिस्टर बेकन, और आई डोंट नो, गलत भी हो सकती हूँ क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन देते देते रॉन्ग इंफॉर्मेशन हो जाती है। हाँ, ये तो रविंद्रनाथ टैगोर जी है हम लोगों का। ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, गोसाबाते सब समय शक्तिर बही प्रकाश देखे। अच्छा, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ एक लाइन्स है कुछ। और ये है वो बंगलो, बेकन बंगलो, बेकन बंगलो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसमें इतना ये बैम्बू का पेड़ दिया हुआ है, बंगला तो दिख ही नहीं रहा। इसमें जो है इतना ये वाला पेड़ है, बंगला तो दिख ही नहीं रहा है। बाकी बेकन बंगलो, बेकन बंगलो तो हो गया। अभी कहाँ जाना है, किधर जाना है, किधर किधर बोलो। बेकन बंगलो देखने के बाद हम लोग दोबारा से बोट पे चढ़े और इवनिंग का सनसेट देखते हुए हम लोग अपने दूसरी डेस्टिनेशन की ओर आगे चल पड़े। और तभी मेरी मुलाकात बोट के ड्राइवर के साथ हुई और कुछ उनके साथ बातचीत भी मैं कर पाई और मैंने सीखा कि बोट कैसे चलाते हैं। तो लाइफ में पहली बार एक बोट में ड्राइवर के केबिन में बैठने का मौका मिला। तो ये हम लोग का ड्राइवर, और ड्राइवर भैया किस तरह से हैंडल करते हैं आई डोंट नो, इसको घुमाना पड़ता है क्या भैया? ठीक है, तो मैं इधर बैठ ही जाती हूँ अगर मौका मिला तो। और इसको आप किस तरह से ऑपरेट करते हो, मतलब ऐसा राउंड राउंड घुमाना पड़ता है जैसे गाड़ी का, और ब्रेक लगाने का क्या है? इसको खींचने से ब्रेक लगता है। अच्छा, सिग्नल लगा। अच्छा, ये सिग्नल देगा तो पीछे से ब्रेक लगाएगा। अभी नीचे आ जाए। अच्छा, नीचे में क्या? अभी हम जा जो आता है उसे हम का जवाब। अच्छा, और यहाँ से सिग्नल भेजा जाता है, जब भैया बोलेंगे कि रुकाना है बोट को तो पीछे से ये रुका देता है। ठीक है, और ये जो नज़ारा है आप लोग इस तरह से दिखाई देता है ड्राइवर कैबिन में, इस तरह से quite beautiful। तो यहाँ पे हम लोगों का खाने का इंतजाम किया गया है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल में खाना होगा और यहाँ पे डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे सनसेट भी हो रहा है और सनसेट के साथ साथ
अभी तक का सब्जी क्या क्या दिया है? ये है आलू, झूरी आलू इन बंगाली, ये क्या बोलते हैं? झूरी आलू भजा। और ये नींबू, राइस, नींबू को तो नींबू ही बोलते हैं ना बंगाली में, लेबू लेबू, हाँ ये तो असल में भी बोलते हैं। तो ये है भेटकी मछली, भेटकी मछली हम लोग आसाम साइड में नहीं मिलता, ये भेटकी मछली टेस्टी है खाने में, टेस्ट। जी लंच वंच कंप्लीट कर लिया, अभी हम लोग बैठे हुए हैं इसे के ऊपर, यहाँ का नज़ारा देखते हुए। इवनिंग का सनसेट हो गया, वो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया जब खाना खा रहे थे, तभी नहीं तो बहुत अच्छा नज़ारा था और वो कैप्चर नहीं कर पाए। तो जी हम लोग अभी अपना होटल पहुंच गए, बहुत ही मुश्किल भरी रास्ता से। ये है हम लोग का होटल, आज रात के लिए यहीं पे रुकना पड़ेगा। एक्चुअली नीचे उतरने का जो रास्ता है वो बहुत ख़राब था, इसमें पता नहीं कौन सा रूम दिया जाएगा हम लोगों को, रूम देखना पड़ेगा। होटल में शाम को हम लोगों के लिए झूमर डांस का इंतज़ाम किया गया था और जिसे हम लोग चाय पकौड़े के साथ एंजॉय कर रहे थे। ओहो दोस्तों, ये एक बंगाली डिश, बंगाली स्वीट है, इसमें लिखा है भद्रकाली का ली खे निये छी। और ये इतना हम लोगों के पास इतना टाइम है, इतना वेले टाइम है कि भद्रकाली का ली निकाल के खा लिया मैंने। वैसे ये डिश बहुत अच्छा है, स्वीट है, बहुत टेस्टी है। और तुमने भद्रकाली का क्या खाया? सब कुछ खा लिया, भद्रकाली सब खा लिया। और मैंने वैसे ली खा लिया था, अभी पूरा भद्रो भी खाने वाली हूँ। और आप लोगों को मिलते हैं ये पूरा भद्रो खाने के बाद, मिलते हैं फिर रात को डिनर में। ओ बाय द वे एक चीज भूल गई थी, ये हम लोगों को रूम मिला है, रूम अच्छा है काफी। ओ कुछ ऐसा नजारा है, खिड़की के उस पार में अच्छा व्यू है, लेकिन अभी रात है दिखा नहीं सकते आप लोगों को। तुम क्या खा रही हो? कोमला लेबू। कोमला लेबू, अच्छा ऑरेंज खा रही है, ठीक है खाओ ऑरेंज। और मुझे ये भद्रकाली को खत्म करने दो, भद्रकाली इट्स वेरी टेस्टी ना। और इसका प्राइस कितना है? सिर्फ सेवन रुपीज सिर्फ। और ये सिर्फ कोलकाता में मिल सकता है आपको, कहीं नहीं मिलेगा। ओनली 7 रुपीज फॉर दिस भद्रकाली।